हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूं पूनम और चलते हैं आज मम्मी के किचन में, देखते हैं मम्मी ने हमारे लिए क्या बनाया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। तो चलते हैं मम्मी के पास, मम्मी किचन में। तो मम्मी, आज आपने हमारे लिए क्या बनाया है? बनाने वाले हैं सिंधी कढ़ी। ये है सिंधी कढ़ी, बहुत टेस्टी और खाने में लाजवाब। 3 बड़े चम्मच अब हम इसमें मेथी के दाने डालेंगे। तेल गरम हो गया हमारा, हाँ। 1 बड़ा चम्मच मेथी का दाना, उसके बाद राई का दाना 1 बड़ा चम्मच और 1 जीरे का दाना। ये इन सबको पहले थोड़ा भून लेंगे। जीरा लाल होते ही हमारा लाल हो गया है जीरा, इसमें हम एक कटोरी बेसन भी डालेंगे। और बेसन को अभी धीमी आंच पे पकने देंगे जब तक ये गुलाबी कलर का ना हो। हाँ, इसे धीमी आंच पे बार बार चलाते रहेंगे। जब तक ये बेसन लाल ना हो, आप देख सकते हैं अभी इसका कलर चेंज हो चुका है, अभी ये लाल हो चुका है। इसमें ये देखिए ऐसा कलर होना चाहिए। अब इसमें लाल मिर्च डालेंगे 1 चम्मच और इसमें कड़ी पत्ता और हरी मिर्च ये डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे, 3 टमाटर करीबन बड़े, 3 टमाटर बड़े इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। टमाटर पक जाएगा इसमें, 2 मिनट में पक जाता है इसमें टमाटर। और उसके बाद इसमें पानी धीरे धीरे करके डालते जाएंगे, जैसे इसमें गठान ना हो। धीरे 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 करते ऐसे थोड़ा थोड़ा करते डालते जाएंगे, जैसे बेसन में गठान ना हो और जब तक कि ये बेसन पतला हो जाए तब तक के पानी के जैसा, और गठान बिल्कुल ना बने इसमें। धीरे धीरे हिलाते रहिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए। देखिए ऐसे इसमें बेसन को ऐसे घोल में बदल लीजिए, ये घोल में बदल गए और पानी डालेंगे इसमें। देखिए अभी और पानी डालेंगे इसमें, पानी जितनी हमारी आवश्यकता है, जैसे हम 8-10 दिन है घर में तो खा लेंगे ये सब्जी 8-10 जन। ये गवार की फली है, ये धो के मैंने साफ करके रखा है, और ये कुंदरू बोलते हैं इसे, ये कुंदरू डाल दिए इसमें। और उसके बाद इसमें ये पेठा धो के डाल दिया है, पेठा जिसको अच्छा लगे वो पेठा डाल दे, कोई भी सब्जी डाल सकते हो इसमें, कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। ये आलू है, आलू 5-6 आलू करीबन घर में, जिसकी चॉइस हो ज्यादा नहीं तो कम भी, जितने हमें अच्छे लगे उतने आलू डाल दो। उसके बाद हमने इसमें ये भीगी हुई कैरी, आम की कैरी सूखी हुई, फिर भिगा के रख दिए हैं, ये डाल दिए हैं। इसके बाद हमने इसमें नमक डालना है, इसमें उसके बाद हमने स्वाद अनुसार
नमक डालना है। और इसको अभी ढक्कन लगा के पकाना है। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे इसमें कलर के लिए। थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। इसके बाद सब सब्जियां इसमें डाल के और इसको एक सीटी लगाना है। ये देखिए अब ऐसे, हाँ ऐसे ही चाहिए ये। हाँ अब इसको ढक्कन लगा के एक सीटी करीबन लगा देंगे। इसमें मैंने शेलो फ्राई करने के लिए तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और इधर जब तक ये सीटी लगे कुकर को तब तक ये शेलो फ्राई में हम 10 से 12 भिंडी डाल देंगे। और इसमें 8 से 10 बैंगन के टुकड़े। इन सबको घुमाते रहेंगे, शेलो फ्राई करते रहेंगे। और ये सब्जियां कढ़ी के आखिर में डाली जाती है क्योंकि ये नरम सब्जियां हैं और उसमें गल जाएंगी सीटी में, इसलिए ये आखिर में डाली जाती है। ये बैंगन और भिंडी शेलो फ्राई हो चुके हैं। इसमें हम अपने स्वादानुसार नमक डालेंगे क्योंकि उसमें हमने नमक डाला है रस के जितना, इसमें ये भिंडी के जितना, ये बैंगन के जितना। जब तक वो सीटी लगेंगी तब तक ये नमक खाएंगे। अभी हमारी कढ़ी तैयार है। अभी एक कुकर खोल रहे हैं, इसमें ये देखिए ये ऐसी सब्जियां और ऐसी रस आपको जैसी चाहिए वैसी। अभी हम जिसमें हमने फ्राई किया था उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे। जीरा लाल होने के बाद थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और उसके बाद इसमें भिंडी और बैंगन जो हमने शेलो फ्राई करके नमक डाल के रखा था उसको अभी गैस बंद कर देंगे। अब ये सब वापस इसमें कड़ी में, कड़ी को देखिए कितनी सुंदर लग रही है। सिंधी कड़ी, इसमें सब सब्जियां डालते हैं, जो भी आपकी मनपसंद सब्जियां हो वो डाल के और सिंधी कड़ी बनाइए। कड़ी है सिंधी कड़ी, इसको चावल के साथ अक्सर चावल के साथ खाया जाता है। अगर आप रोटी के साथ भी खाओगे तो बहुत अच्छी बेहतरीन लगती है और पापड़ साथ में खाएंगे तो और मजा आएगा। ये है हमारी सिंधी कड़ी, प्लीज इसे ट्राई कीजिए।